Redmi Note 11 Pro Plus जो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, न्यू आईफोन लाइक डिजाइन, Samsung AMOLED डिस्प्ले, सुपर फास्ट चार्जिंग और एफिशिएंट प्रोसेसर, बैटरी एफिशिएंट यूआई एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Redmi Note 11 Pro Plus का डिटेल रिव्यू बताने वाला हूं जो मेरे फ्रेंड ने चाइना से शेयर किया है, ताकि मैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। जैसे कि आपको पता ही है, लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले Redmi Note 11 Pro Plus के डिजाइन से शुरू करते हैं। इस बार Note 11 सीरीज में कलर्स की बात करें तो चार कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, सेलो ड्रीम गैलेक्सी, मिस्टीरियस ब्लैक, मिस्टी फॉरेस्ट एंड टाइम क्विट पर्पल। ऑल कलर्स हैव हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक और ये टाइम क्विट पर्पल कलर है। दिस इज वेरी सॉफ्ट पर्पल। फोन का बैक एजीमेट प्रोसेस से बना है, टेक्सचर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। फोन के बैक में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है और बैक फ्रोस्टेड है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी इतना नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको ग्लोसी फिनिश बैक में मिलता है। फोन का बैक और फ्रंट दोनों ग्लास से प्रोटेक्टेड है और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और फोन की एजेस आईफोन की तरह स्ट्रेट मिल जाती है और ये लार्ज स्ट्रेट डिजाइन नोट सीरीज को नया लुक देती है। फोन की थिकनेस करीब 8.45 mm की है इंक्लूडिंग कैमरा मॉड्यूल। फोन के फ्रंट और बैक ग्लास के बीच में प्लास्टिक का लेयर मिल जाता है और ये जो पर्पल कलर है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फ्रेम का कलर है वो थोड़ा अलग देखने को मिलता है और जो बैक का कलर है वो थोड़ा अलग कलर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फोन की डिजाइन आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है। Redmi Note 11 Pro Plus के टॉप में देखे तो सिमेट्रिकल स्टीरियो ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं दैट प्रोफेशनली ट्यून बाय JBL और साथ में IR ब्लास्टर और 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। फोन के बॉटम में बॉटम फायरिंग स्पीकर, ड्यूल सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन में JBL ट्यून स्पीकर तो मिल जाते हैं और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में NFC और X एक्सिस लीनियर मोटर भी मिल जाती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड किया हुआ है। फोन का वेट करीब 204 ग्राम्स का है। इस सेगमेंट में ये फोन थोड़ा हेवी लगा मुझे। Redmi Note 11 Pro Plus के फ्रंट की बात करें तो 6.67 इंच की Samsung AMOLED स्क्रीन मिल जाती है और स्क्रीन में सेल्फी कैमरा के लिए सेंट्रल पंच होल मिल जाता है और स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। एज आई सेड रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाएगा और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की फास्ट मिल जाती है। फ्रंट और रियर में ड्यूल लाइट एम्बिएंट सेंसर मिल जाते हैं जो ब्राइटनेस को स्मूदर और नेचुरल तरीके से ऑटो एडजस्ट करता है। Redmi Note 11 Pro Plus की स्क्रीन में डायमंड अरेंजमेंट का यूज हुआ है जो मैंने Note 11 Pro Plus के अनबॉक्सिंग वीडियो में डिटेल में दिखाया था। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। साथ में स्क्रीन में DCI P3 व्हाइट कलर गमूट भी मिल जाता है और यहाँ पे रिफ्रेश रेट तो 120 हर्ट्ज की मिलती है लेकिन उसके साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है, यानी गेमिंग में क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा और सनस्क्रीन एंड SCSI प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशंस भी मिल जाता है। ओवरऑल फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है और बहुत ही सारे फीचर्स के साथ आती है। Redmi Note 11 Pro Plus के बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो फोन में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 120 वेट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो इस फोन का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है। एक मिनट चार्ज करने पे बैटरी 10% तक चार्ज हो जाती है, 5 मिनट चार्ज करने पे बैटरी 45% तक चार्ज हो जाती है और 15 मिनट बैटरी को चार्ज करने पे 100% तक चार्ज हो जाती है। और Redmi Note 11 Pro Plus में एडवांस हाई एफिशिएंट चार्जिंग पंप का यूज हुआ है जो फास्ट चार्जिंग के टाइम फोन के टेम्परेचर को कम रखता है और साथ में फोन में सेफ चार्जिंग का सर्टिफिकेशंस भी मिल जाता है और फोन में 2 चार्जिंग मोड भी मिल जाते हैं, क्विक चार्ज एक्सेलरेशन एंड द डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड में बैटरी को चार्ज करने में करीब 19 मिनट्स लगते हैं और एक्सेलरेशन मोड में करीब 15 मिनट्स में बैटरी 0 to 100% चार्ज हो जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस सेगमेंट में किसी भी फोन में इतना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं। और फोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छे से हुआ है, 30 मिनट्स हाई एंड गेमिंग और हाई ब्राइटनेस रखने के बाद भी बैटरी करीब 10% तक ही रिड्यूस होती है, जो एक अच्छी बात कह सकते हैं। Redmi Note 11 Pro Plus में परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर लगा है जो 6nm प्लेटफॉर्म पे बना है और इस साल अगस्त में ही लॉन्च हुआ ये प्रोसेसर और ये प्रोसेसर गेमिंग परफॉर्मेंस को 9% तक इंप्रूव करता है। प्रोसेसर में मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.5 GHz की मिल जाती है और ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, साथ में LPDDR4X RAM मिल जाती है और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है और हाई एंड गेमिंग हाई सेटिंग पे आसानी से खेल सकते हैं और हाई एंड गेमिंग में फोन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए 3-dimensional कूलिंग सिस्टम लगी है। आप यहाँ पे एंटूटू स्कोर भी देख सकते हैं, करीब 4,90,000 के ऊपर मिल जाता है जो मिड सेगमेंट का अच्छा स्कोर माना जाता है। फोन में हाई एंड गेमिंग हाई सेटिंग पे आसानी से खेल सकते हैं, एवरेज फ्रेम रेट भी अच्छी मिल जाती है, कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलेगी। Redmi Note 11 Pro Plus में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है,
जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है, और थर्ड 2 मेगापिक्सल का टेलीमेक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं। सफिशियंट डेलाइट कंडीशन में मेन कैमरा में अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन समटाइम्स फोटो ओवर एक्सपोज मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस में भी फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है और कलर्स ऑलमोस्ट मेन कैमरा जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। नाइट एनवायरमेंट में फोटोज अच्छी मिल जाती है। नाइट टाइम में नाइट सीन मोड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है और फोन में ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाता है और नॉइस लेवल भी कम हो जाता है। रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के प्राइस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी प्राइस अनबॉक्सिंग वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा अनबॉक्सिंग वीडियो तो जरूर से एक बार देख ले। कंक्लूजन पे आए तो फोन का बेस्ट सेलिंग पॉइंट है फोन का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, यानी 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है, ऊपर से फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है। फोन की डिजाइन भी नई अच्छी दी गई है जो फोन को अट्रैक्टिव लुक देती है और प्रीमियम लुक भी देती है। लेकिन इंडिया में कौन सी प्राइस में आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फोन 22,000 के ऊपर आता है तो ये थोड़ा प्राइस हाई है, लेकिन इंडिया में Redmi Note सीरीज के फैन फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।